नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जादू प्रैक्टिस के साथ सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग। अब जो हमारा डे आ गया है ना, वो 13th डे की प्रैक्टिस का डे आ चुका है। अब इस डे में हमें क्या करना है, देखिए इस डे में ना बहुत ही सिंपल ही है। पहली बात तो यही है कि आपको पहले जैसी जो प्रैक्टिस है ना वही उठानी है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए एक मेडिटेशन आपको पिक करनी है। मैंने दो दी है, दो में से आप कोई भी मेडिटेशन को पिक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपकी हीलिंग के लिए क्या है, आपको उठना है, डीप ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन करना है, ओपोनोपोनो प्रेयर करना है, अफर्मेशन वाला जो है ना वाटर पीना है। इसके बाद में ना दिन में कोशिश करें 2 से 3 बार अपनी अलग अलग विशेस को लेकर के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या आपकी हीलिंग प्रोसेस के साथ जितना ज्यादा करेंगे ना वो उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगी और आप जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके। ठीक है, तो ये हीलिंग प्रोसेस के साथ में मैनिफेस्टेशन है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जैसे जैसे आप हील होते हैं वैसे वैसे आप जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को जो चीजें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। इसके बाद आपकी सेल्फ लव वाली एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है। सेल्फ लव करने के पहले आपको 2 मिनट ओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, यानी कि एक्सरसाइज करने के पहले, और आप एक्सरसाइज के दौरान कोशिश करें अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ करके पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीजों को इकट्ठा करें, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो उन चीजों को देखना शुरू करें एक्चुअली जो आपको पॉजिटिविटी देती है। मैनिफेस्टेशन के मेडिटेशन इस बीच में जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी हीलिंग प्रोसेस के साथ और आपके सेल्फ लव प्रोसेस के साथ में जुड़ करके आपके लिए काम करने वाले हैं और आपसे करवाएंगे थोड़ा जल्दी मैनिफेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव से जुड़ी हुई बात। लास्ट जो है ना वो भी आपको ओपोनोपोनो प्रेयर से ही खत्म करना है। शुरू डे करना है आपको कृतज्ञता के साथ, मॉर्निंग में उठना है कृतज्ञ होते हुए, ओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, फिर पूरा दिन में आपकी ग्रेटिट्यूड वॉक होगी, अफर्म्ड वॉटर होगा, आपको पूरे प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करना है। बीच में सिर्फ और सिर्फ जो चीजें जुड़ रही हैं वो आपके मैनिफेस्टेशन के मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं। 2 मेडिटेशन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप जो चाहें वो पिक कर सकते हैं। जो मेडिटेशन इस बीच में आप लगाना चाहें, गाइडेड चाहते हैं गाइडेड मैंने आपको दे दी है, जो लोग गाइडेड नहीं चाहते वो खुद से ही मेडिटेट करके इस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि भैया वो मेडिटेशन करेंगे और वो आराम से अपनी पिक्चर को मेडिटेशन में डाल सकते हैं, तो वो लोग तो सेल्फ से कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने हेल्प सिर्फ उन लोगों के लिए की है जो लोग नहीं कर पाते हैं और उनको मेडिटेशन की हेल्प लगती है। तो आप मैनिफेस्टेशन वाले मेडिटेशन पिक कीजिए और अपनी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के साथ उसको करते रहिए। यानी कि आपको जो डीप ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है ना स्पेशली, वो इंपॉर्टेंट है, वो करिए, वो आपकी हीलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करता रहेगा। साथ में अगर आपका मन करता है तो आप मेडिटेशन वाले प्रोसेस को लगाएं ताकि आपको ज्यादा जल्दी हेल्प मिले। इस बीच अगर आप कोई राइटिंग टेक्निक वगैरह करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आगे मैं आप लोगों के साथ में कुछ राइटिंग टेक्निक जरूर शेयर करने वाली हूँ, जो आप जादू प्रैक्टिस के साथ करते रहेंगे तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे वाले रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।